इनका लक्ष्य ये है भी हम आतंकवादी नहीं है, हम खूनदानी है। ना तो हम खालिस्तानी हैं, ना हम आतंकवादी हैं। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान वाली ही बात करूँगा, ठीक है। बात ये है, हरियाणा वाले ने मारे को खिला पेट निकाल दिया। अच्छा। पेट कैसे निकाल दिया? घर की हमारे को टेंशन नहीं। जे मोदी माना ना, मैं तो अपनी लगाई भी लेके आऊंगा। अच्छा। हाँ, इधर ही रहूंगा टेंट लगा कर। लगाई बोलती है जे हार के आगे घर में नहीं आना, हम तो दो रास्ते में फंस गए। मतलब घर न रहे तो भी दुखी रखे, लुगाई बाहर आगे तो भी दुखी रखे। जीत के आना है, नहीं आना नहीं। नशे के तरफ जो झुक रहा है पंजाब, इस कैंप के राही हम बता रहे हैं कि जो नशे में जवानी कह रहे थे ना, वो आज ब्लड दे रही है। सारे भाई ने जोड़कर राम राम भाई, थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा। मैं सो थार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। अलग अलग रंग थार दिखाए हैं किसान आंदोलन के, और किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। और टीकरी बॉर्डर पर, हाँ फिलहाल टीकरी बॉर्डर की बात करूं तो आज के दिन एक और खास चीज हमने देखने मिलेगी, और थारते दिखावांगे कि टीकरी बॉर्डर पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है। एक तरफ ने जब इन किसानों के खिलाफ बोलने वाले लोग लगातार इन्हें देशद्रोही कहे हैं, लगातार खालिस्तानी कहे हैं, लगातार कहे हैं कि विदेशी ताकतें इनके साथ हैं, तो दूसरी तरफ ने हम देख सको हो कि उरे सेवा भाव भी ये किसान जो दिखा रहे हैं, सेवा भाव ते उन लोगों ने जवाब देने लग रहे हैं। और सेवा की बात करें तो किसान के बेटे जो एक तरफ ने बॉर्डर पे अपना खून चढ़ावे हैं, दूसरी तरफ ने आज टीकरी बॉर्डर पे भी किसान आंदोलन में भी अपना खून दान दे के एक नई मिसाल पेश करने लग रहे हैं। तो उरे इनसे बातचीत करांगे एम केयर हॉस्पिटल ब्लड सेंटर जीरकपुर की तरफ से। वो ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया गया है, एक बार टीम से बात कर ले हुए हैं। सश्रीकाल जी भाई। सश्रीकाल बरे, ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। जीरकपुर से आए? हाँ जी, हाँ जी। ब्लड डोनेशन कैंप, कितने यूनिट ब्लड अभी तक हो गया डोनेट? 50 यूनिट हो गए सर। कितनी देर पहले कैंप लगाया था? ये सुबह 9 बजे लगाया था सर। सुबह 9 बजे 50 यूनिट ब्लड हो गया है। हाँ जी। अच्छा, पहले कोई स्टेज से अनाउंसमेंट की थी कि ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा ताकि सबको पता चल जाता? हाँ जी सर, आसरा फाउंडर्स है जो इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है, उसकी वजह से कैंप लगाया है। अच्छा, इनका लक्ष्य है, थोड़ा सा एक बार इस तरफ घुमा लो चेयर को। इनका लक्ष्य ये है भी हम आतंकवादी नहीं है, हम खूनदानी है। खूनदानी है, आतंकवादी नहीं है। लगातार जो कोई खालिस्तानी कोई आतंकवादी कहे है, हाँ जी, जो जवाब इनका ये वो जवाब दे रहे हैं भी हम आतंकवादी नहीं है, हम खूनदानी है, हम चढ़बद कर खूनदान करेंगे। बिल्कुल, आतंकवादी नहीं है ये, खूनदानी है। और खूनदान करने के लिए उरे थम देखने लग रहे हो कि उरे पहुंचे हैं। सत श्रीकाल। पहला तो भाई असी हरियाणा का बड़ा धन्यवाद करते हैं। हरा भी धन्यवाद जी। छोटे भाई का जो नाता था, जो रिश्ता था, उन्होंने निभा दिया। पहले तो बीजेपी की सरकार ने या कोई भी सरकार थी, हमारे को यही नहीं पता चला था भी हमारा नाता क्या है। मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं। अच्छा। हमारा प्यार बढ़ा दिया। अच्छा। नहीं तो हमारे को यही नहीं पता चला था हम छोटा भाई केड़ा है, बड़ा भाई केड़ा है। क्योंकि जो आंदोलन देखा है मेरी जिंदगी में, सबसे बड़ा आंदोलन ये है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ ही नहीं। मैं आपके जरिए मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ भी जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। ना तो हम खालिस्तानी हैं, ना हम आतंकवादी हैं। मैं किसान का बेटा हूं और किसान वाली ही बात करूंगा, ठीक है। बात ये है, हरियाणा वाले ने मारे को पेट निकाल दिया। अच्छा। पेट कैसे निकाल दिया? घर की हमारे को टेंशन नहीं। जे मोदी माना ना, मैं तो अपनी लगाई भी लेके आऊंगा। अच्छा। हाँ, इधर ही रहूंगा टेंट लगा कर। हाँ, टेंट लगा कर, ठीक है। क्यों? जे कानून नहीं है, ये हमारे गल की फांसी है। अच्छा। जब हमारी जमीन ही खोली, जमीन हमारी माँ है, जब हमारी माँ पे डाका डाल रहा है, हमारे को जीने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपके चैनल के राही, आपके माध्यम राही ये मैं बोलना चाहता हूँ यूथ को, जो नमे लड़के हैं, भाई आओ भाई, ये वजूद की लड़ाई है। अडानी और अंबानी अपना वजूद खत्म कर देंगे, जो इतिहास किताबों में फरोलते हैं ना, वो इतिहास खत्म हो जाएगा। जब तक पंजाब का किसान जिंदा है, जब तक उसके पास जमीन है, जब जमीन ही चली गई, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। सरकार की तरफ से बार बार कह रहे हैं कि जमीन पे तो कोई यहाँ जावे ही नहीं, जमीन तो कितने जावे ही नहीं, ये तो
आप लोगों की आमदनी बढ़ाने खातर कानून लेकर आए थे भाई, और उसने तो बोला था 15 लाख भी डालूंगा। अच्छा, वो भी नहीं डाला। अच्छा, सारे रंडे हैं, हैं। बोलो, भरोसा नहीं रहा? कोई नहीं भरोसा रहा, कोई भरोसा नहीं रहा। अच्छा, खट्टर को क्या पता, अपना जोगी को क्या पता है? उसको पता है भी स्कूल की फीस कितनी है? अच्छा, कभी दूध का पैसा दिया? नहीं दिया। जब शादीशुदा आदमी नहीं, लगाई का कभी सिर दुखने लग गया, बच्चे का सिर दुखने लग गया। मैं तो मोदी जी से बात बेनती करता हूँ, वो मन की बात औरत के साथ करे। अच्छा। और दिल की बात जनता के साथ करे। दिल की बात जनता के साथ करे। ठीक है। हाँ जी, तो आपने उरे रक्तदान करे है? हाँ, यहाँ हमारा क्लब ये प्रधान है। अच्छा, ये हमारा क्लब है राहत फाउंडेशन पंजाब। अच्छा। उसके ये प्रधान है, ये भी प्रधान है, मीत प्रधान है, मैं उसका एक मेंबर हूँ। ठीक है, ये राहत फाउंडेशन पंजाब का भी राहत फाउंडेशन की तरफ तक कैंप लगाया गया है। अच्छा, एक मैं और बताना चाहता हूँ, एक बॉलीवुड की लड़की है कंगना रनावत, उस लड़की को, उस बहन को मैं बोलना चाहता हूँ। उसने मेरी मामा को बोला भी 100-100 रुपये से लेके आते हैं। मैं उसको आपके चैनल के राही बताना चाहता हूँ भाई, पहले तो मेरी वीडियो शेयर कर देना, उस तक पहुँच जाएगी। 10 हम जुड़ से देखो, हम भी शेयर करना। 10,000 रुपया पर डे दूंगा, पर डे। अच्छा, 10,000 इधर आके सोए, फिर पता लगे सर्दी कितनी है, गोटे घिसेंगे तब पता चलेगा भाई ये किसान कैसे अन्न पैरा। जो उसके मुंह में रोटी जाती है ना, वो हमारे हाथों की जाती है, ना कि अडानी की ना अंबानी की। अडानी को पूछो बाजरा क्या है, मक्की क्या है, इनको पता ही नहीं। ये अंबानी अडानी कितना आगे बीच में, सरकार तो कह रही है किसाना का सरकार का मामला है, इनकी आय दुगुणीकरण खातर हम कानून लेकर आए हैं, अंबानी अडानी कितना आगे बीच ए, ए भाई, जब मोदी साहब जाते थे रैलियों करने, अडानी का जहाज होता था यूं। अच्छा, उतरता था तो अभी वो फायदा भी लेंगे। चलो ठीक है, इधर आ जाए, हमारे को समझा दे मोदी जी। अमित शाह वेस्ट बंगाल में रैली कर रहे हैं, बोलते इधर बोलता कोरोना हो जाएगा। अरे भाई, जब लाखों लेके रैली घूम रहे हो शाह जी उधर, तब तो कोरोना होता नहीं, इधर कोरोना हो रहा है। ये जड़ी दूरी नीति आप क्यों अपना रहे हो किसानों के साथ, मिल कने उधर बयान दिया भी कानून तो रद्द नहीं होंगे। मैं आपके माध्यम में रहना चाहता हूँ, 2 साल का राशन है हमारे पास। अच्छा, नहीं जाएंगे। लगाई भी इधर ही। अच्छा, हाँ, लगाई भी इधर ही बच्चे की एडमिशन करा दूंगा। अच्छा, उरे बच्चे की एडमिशन। हाँ, नहीं जाएंगे। जाना नहीं है। मोदी साहब कल गुरुद्वारे गए थे। हाँ जी, क्या मैसेज देना चाह रहे थे? वो मैसेज अभी इनसे क्या उम्मीद रखे है? क्या ये तो गालिब का एक शेर है, उसकी मन की बात ना जाने, मन की बात हम पढ़ लिया भाई। अच्छा। वो नहीं मानेगा, वो मान डरा हुआ है। अच्छा। वो सिर्फ अडानी और अंबानी उसको खींच रहे हैं। अच्छा। वो तो मना पड़ा है, बीजेपी सरकार 20 दिन आंदोलन और चल गया, बीजेपी की सरकार जाएगी पक्का जाएगी। नहीं गई तो जाएगी, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं गई तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा, लगाई बोलती है जे हार के आगे घर में नहीं आना, हम तो रास्ते में फंस गए। मतलब घर न रहे तो भी दुखी रखे, लुगाई बाहर आगे तो भी दुखी रखे। जीत के आना है, है? नहीं आना नहीं। अच्छा। तुम किसी चीज के मर्द हो भाई, वही बात हरियाणा वाले पे डुकती है, इनकी भी लगाई बोलती है नहीं आना। अच्छा। उधर ही मर जो गल जो। अच्छा। ना हमारे को जाडा लगे, ना सर्दी लगे, कुछ नहीं लगे। अरे यार, कहाँ लगी सर्दी बताओ, इतने बच्चे, माँ हमारे साथ घूम रही है, बाप मेरा रोड पे पड़ा है। जब बाप माँ साथ में हो, सबसे बड़ा गोदी का निग माँ का होता है। हाँ। वो हमारे साथ है, बिल्कुल माँ साथ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। जिसकी माँ सिर पे हाथ है, कभी वो बच्चा हरा है? नहीं हरा। भगत सिंह ने हमने तो देखा नहीं, हूँ तो लोकतंत्र है। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन 9 महीने चला था, बिल्कुल 1906 में चला था 9 महीने। उस टाइम तो अंग्रेजों की लाठी भी पड़ती थी, गाली भी मिलती थी। अभी तो लोकतंत्र है, शांतिपूर्वक देखो ये आंदोलन चल रहा है। गोदी मीडिया, वो किनका पता नहीं कौन सा जीवन वाला संदीप चौधरी, वो देखो जो ट्रैक्टर से फोटो लगे फलाना भाई, हूँ ट्रैक्टर से जहे जी फोटो ला ली, क्या खालिस्तानी हो गए? अभी कंगना रनौत ने बोल दिया हमारी माँ के लिए, उसकी जबान पे ताला लग गया। क्यों नहीं बोला किसी माँ को गाली देना, बताओ कौन सी अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बोलो, मीडिया के राही, आपके चैनल के राही आपको बताना चाहता हूँ, आप निरपक्ष दिखाओ, ये आतंकवादी नहीं है, ये किसान है, ये खून दे रहे हैं। किसान है, खून देने लग रहे हैं, खूनदानी है ये हमारे सरकार। इन भाई साहब से बात कर लेते हैं एक बार, ये खून देने के, ये सरकार हमारा खून पी रही है। अच्छा, हम दे रहे हैं। अच्छा, सरकार खून पी रही है, कोई गल नहीं। सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ब्लड डोनेशन
ब्लड डोनेट कर रहे हो यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। तो क्या सोच के मतलब ये ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिया है? लगातार एक तरफ कह रहे हैं भाई आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, और आप लोग खून तक दान करने लग रहे हो। वो तो हमारा हक है जी करने का। अच्छा ठीक है ना, हमारे पंजाब के किसी को चोट लगती है खून की जरूरत हो तो तभी तो हो ना। बस यार ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई अपना हक मानना है ये खून दान करना, इस तरफ ने भी डोनेशन चल रहा है भाई, थोड़ी देर में डोनेट कर लेंगे फिर बात करेंगे। कौन से प्रधान जी? ये प्रधान जी, राम राम जी प्रधान। राम राम जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, ठीक हो? हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया है। क्या सोच के इधर कैंप लगाया? मतलब ये कैंप राहत फाउंडेशन समूह किसान जथेबंदियों के सहयोग से लगाया गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो मीडिया के लोग कह रहे थे कि ये आतंकवादी हैं, जे नशे के पंजाब में लत नौजवानी है, बिल्कुल उसको उड़ता पंजाब के नाम से मशहूर हो गया था। हाँ, नशे के तरफ जो झुक रहा है पंजाब, इस कैंप के राही हम बता रहे हैं कि जो नशे में जवानी कह रहे थे ना, वो आज ब्लड दे रही है। यूथ जो आज साथ है उसका आंदोलन कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हम जब तक यहाँ से जित प्राप्त करके नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ पर डेरे लगा कर रखे हैं। और आप देख सकते हो बादामों का लंगर, किसी भी तरह की कोई वस्तु है जो आपको चाहिए उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। और रक्तदान के लिए कम से कम 70-80 यूनिट यूथ जो है 25 से लाकर 30 साल तक के यंग एज ने ब्लड दे रहे हैं। और आप कह रहे हो कि आतंकवादी है, जो नशे में दलित है पंजाब हरियाणा, हरियाणा का भी भाई भाई है हमारे, इसीलिए मैसेज यही है कि सरकारों को अपना गोदी मीडिया छोड़कर और सच की कलम से आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्यों? जो निरपक्ष है आजकल सोशल मीडिया के राही, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, आप देख ही सकते हो इंस्टाग्राम पर, ये जो मैसेज जो सच की कलम ने देना था, सच्चाई की कलम ने देना था, वो अपने जो पॉकेट में मोबाइल है उसके तरफ से सच की कलम आ रही है। जैसे कि आपका हुण चैनल हो गया, और जो दूसरे चैनलों को हमने बाइकाट कर ही दिया। अच्छा, दूसरे चैनल को कोई भी किसान मंदी का, कोई भी जूथ है, कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी उनको बाइट नहीं देता, कोई भी उनका विचार या कोई भी प्रचन का उत्तर नहीं देता। क्यों? अगर जो पहले से अभी 3 महीने होने वाले हैं इस आंदोलन को शुरू हुए, आप देख सकते हो भी कोई भी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट छोड़ो, एक न्यूज़ क्लिप भी नहीं दिखाई इन्होंने कि ये आंदोलन पंजाब में शुरू हो रहा है किसानी के लिए, किसानी संघर्ष को जीतने के लिए। अगर दिल्ली में अगर धरना लगाया है, अभी भी वो कुछ नाम मात्र मीडिया है जो ये हाईलाइट कर रहा है कि किसानी आंदोलन है। बाहरले देशों से ज़्यादा आप देख सकते हो डोनेशन भी आ रही है, और वो कह रहे हैं कि किसी ने ट्रैक्टर भी बांध दिया, किसी ने कुछ, आप देख सकते हो भी सेवा कितनी चल रही है। बिल्कुल, इसीलिए सरकार को चाहिए, पहली बात तो ये है कि सरकार डर चुकी है। डर का कारण ये है कि जो यूथ का जोश होता है ना, 1906 में भगत सिंह के चाचा जी ने जो आंदोलन चलाया था, ठीक है ना, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, उस आंदोलन का अंग्रेजों में जो इतना जोश था भी अंग्रेजों से इतनी दुनिया डरती सी, अभी आप देख लो भाई तब ये आंदोलन सक्सेस हो गया था। अभी तो हमारे पास पावर भी है, हमारे पास यूथ भी है, तब देख लो अंग्रेजों का सामना कर हमने जीत हासिल की थी, अभी तो हमारे पास सब कुछ है, अभी तो जीत बनती हुआ है। बिल्कुल, युवाओं का जोश भी है और बुजुर्गों का होश भी है, और यह जवानी जो कहा करते हैं कि नशा में डूब गई है, वह जवानी थम देख सको हो आज किसी की जान बचाने का भी काम करने लग रही है, किसी की जान के बचाने के काम आने लग रही है या जवानी। उरे ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है राहत फाउंडेशन की तरफ से, और पूरे अब तक बताया है कि 50 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है। इससे पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप सिंगू बॉर्डर पर लगे थे, आज टीकरी बॉर्डर पर भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, और यह एक जो लगातार इनकी इमेज खराब करने के आपने वीडियोस देखे होंगे या किसी टीवी चैनल पर कोई भी बात आई होगी, तो थम उरे थे असलियत देख सको, ग्राउंड की असलियत देख सको हो कि उरे का जो यूथ है वो
कितनी सेवा करने लाग रहा है, लंगर की सेवा तो अटके या एक सेवा जो खून दे के किसी की जान बचाने का काम करेगी, खून तक देने का काम ये युवा करने लग रहे हैं। तो देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल राजपूत, राम राम।